नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो, जो कि हर कोई कोई आज वाले जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए चावल के बहुत ही ज़्यादा खस्ता टेस्टी से कुरकुरे सेव नमकीन, जिसे आप एक बार बना ले जब तक चाहे स्टोर भी कर सकते हैं। और ये बचे हुए जो चावल होता है, जो हम लोग खाना में बनाते हैं और कभी कभार ज़्यादा बच जाता है, बन जाता है, तो चावल बच जाता है। यदि कोई खाने वाले हैं तो उन्हें खिला सकते हैं, और यदि कोई खाने वाले नहीं है, ये फेंकने के कगार पे है चावल बचा हुआ, तो इसे फेंके ना अपने काम में। इसके कोई भी चीज़ बना के, कोई भी रेसिपी बना के इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास इतना सा बचा हुआ चावल है। आज मैं इसी चावल से आपको इतना खस्ता सेव नमकीन बना के दिखाऊंगी। आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा, ना ही कभी सोचा होगा कि इसका ये रेसिपी भी बन सकता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि बचे हुए चावल के अंदर हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले इसमें डाल देना हमें स्वाद के अनुसार नमक। अभी आप इसमें नमक डाल लेंगे तो आपको पता रहेगा कि चावल कितना है, इसमें कितना नमक डालने से एकदम ये सही होगा। तो देखिए, इसमें आधा छोटा चम्मच के जितना नमक ऐड की हूँ। अब इसमें डालने हैं हमें बाकी का थोड़ा थोड़ा सा करके मसाले। कहीं से भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप अच्छे से सेव नमकीन नहीं बना पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है काली मिर्च का पाउडर, तो हमें थोड़ा सा ही डालना है। और साथ में डालना है हमें थोड़ा सा अजवाइन, हल्का सा अजवाइन भी डाल देती हूँ। इससे एक तो बचे हुए चावल का है, तो आप थोड़ा अजवाइन डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा इसका फ्लेवर। थोड़ा सा इसमें डालना है हमें हल्दी का पाउडर, इसमें डालना है हमें धनिया और जीरा का पाउडर। ये भुना हुआ मसाला है, आप चाहें तो कच्चा धनिया भी डाल सकते हैं। साथ में हमें डालना है लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा इसमें हमें डालना है गरम मसाला पाउडर, और साथ में हमें डालना है फ्रेंड्स इसमें अमचूर पाउडर। क्योंकि सेव नमकीन है तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा रहेगा, तभी अच्छा लगेगा। अमचूर के जगह पे आप चाहें तो इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे कि आप इसमें क्या डालना चाहते हैं। अब यहीं पर डाल देती हूँ थोड़ा सा खड़ा जीरा। सारे मसाले इसमें पड़ चुके हैं। अब इसमें डालना है हमें एक चम्मच के जितना तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक चम्मच जरूर डालिए। तेल आप कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि बचे हुए चावल का है तो ये बनते ही चट हो जाएगा। अब सारी चीज को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर भी किया कीजिए फ्रेंड, जिससे कि आपका हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सकेगा। तो देखिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है मैंने सारे मसाले और नमक के साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें खड़ा मसाला भी गया है, जैसे कि जीरा और अजवाइन। तो आप जब मसाले पहले ऐड करके और इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो चाहे आप इसे सांचे से बनाएं या बिना सांचे से बनाएं, दोनों ही तरीके से आप नमकीन को बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सारे मसाले पहले इसमें डाल के आपको दिखाई हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, करी पत्ता, पुदीना पत्ता, कुछ भी डाल के इसे और भी ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं। अब सारे चावल को हमें क्या करना होगा, एकदम बारीक करके पीसना होगा। चावल जितना अच्छा से पीसा होगा, उतना ही अच्छा आपका नमकीन बनेगा। तो यहाँ पर ले लीजिए छोटा वाला जार, इसमें बहुत अच्छे से पीसता है चावल। और थोड़ा थोड़ा सा करके, यदि ज़्यादा चावल है तो आप 2 से 3 बार में पीस सकते हैं, और कम है आप कम ही बना के देखना चाहते हैं कि आखिर ये बनता कैसा है, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा चावल इसमें डालना है, थोड़ा सा चावल डाल के पीसिएगा तो ये बिना पानी का भी पीस के एकदम बारीक हो जाएगा, क्योंकि हमें चावल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो 1 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल देती हूँ और पीस के देखती हूँ, यदि ये पिस गया तो पिस गया, नहीं पिसेगा तो आधा 1 चम्मच और पानी इसमें डाल के और अच्छा सा इसे बारीक सा पेस्ट बना के तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, चावल पीसते समय आधा चम्मच पानी का इस्तेमाल और करना पड़ा था, और चावल जो है हमारा पीस के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं कीजिएगा, देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एकदम सख्त सा चावल का
डो जैसा एकदम बना हुआ है, देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी चावल में पानी ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा बनाने में। तो सारे चावल को इसी तरीके से पीस के अच्छे से पहले बारीक कर लेना है, फिर आपको नमकीन सेव बना के और दिखाती हूँ। दो तरीके से बनाने का आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे या आपके पास जो साधन है आप उस तरीके से इसका बना सकते हैं खस्ता सेव नमकीन। तो चलिए इस वाले चावल को भी अच्छे से पीस के फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारा चावल को पीस के और तैयार कर ली हूँ। चावल हमारा बहुत अच्छे से पीसा है और गाढ़ा भी है, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, इसमें कुछ अलग से सामग्री ऐड करने होंगे क्योंकि ये बचे हुए चावल का है, तो सिर्फ आप चावल से बनाएंगे तो ये नमकीन जो है उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए इसमें हमें डालना होगा थोड़ा सा बेसन। बेसन तो सभी कोई के घर में होता ही है, तो आप 2 चम्मच के जितना इसमें बेसन ऐड कर दें। और फिर से इसमें डालना है हमें एक सामग्री, तो वो है चावल का आटा। 2 चम्मच यहाँ पर चावल का आटा आप इसमें डालें। फ्रेंड्स आपके पास चावल का आटा यदि नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, और यदि कॉर्नफ्लावर भी आपके पास नहीं है तो आप 2 चम्मच मैदा ऐड कीजिएगा, चाहे तो गेहूं का आटा 2 चम्मच, बेसन जरूर डालना है 2 चम्मच के जितना, और बाकी का इसमें चाहे चावल का आटा डालें, चाहे कॉर्नफ्लावर, मैदा या गेहूं का आटा। ये डालने से क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा सा चिपचिपापन आएगा और ये जो है सेव नमकीन हमारा बहुत ही अच्छा खस्ता बनेगा, कुरकुरा बनेगा। तो अब क्या करना है कि अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। जो चावल के अंदर हल्का फुल्का सा नमी है ना, तो जब आप इसमें आटा अलग से कुछ ऐड करेंगे तो वो नमी कम हो जाएगा, क्योंकि चावल पका हुआ रहता है तो उसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब सारी चीज़ को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो जब भी आपके घर में चावल बचेगा आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना चाहेंगे। हल्का सा हाथ में हमें तेल लगा लेना है और तेल लगाने के बाद इसे अच्छे से हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। और मसाला पहले डालने से ये होता है कि जो जीरा वगैरह है वो भी पिस गया, तो आप इसे सांचे से भी बना सकते हैं, सांचे में बिल्कुल भी अटकेगा नहीं मोटा मसाला। देखिए हमारा जो है चावल का आटा एकदम आटा के जैसे ही तैयार हुआ है, देखिए। तो इसी तरीके से आपको भी तैयार करने, बहुत ज्यादा गीला नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा गीला करने से सेव नमकीन जो है सॉफ्ट ही रह जाता है। तो बहुत कम कम पानी डाल के आप चावल को पीसिए, बहुत ही कम पानी, और छोटा वाला जार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत आधा से थोड़ा सा कम कम जार में ही चावल डालिए। कम कम चावल रहता है ना तो वो बहुत अच्छे से पीसता है, और ज़्यादा भर जाने से वो अच्छे से नहीं पीसता है। तो चलिए अब नमकीन बनाने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा 2 मिनट इसे फेंट के हल्का कर लीजिएगा तभी अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स सेव नमकीन को 2 तरीके से बना के आपको दिखाती हूँ। यदि आपके पास ये वाला साँचा है तो आप इस साँचे से भी बना सकते हैं, और जिनके पास ये वाला साँचा नहीं है उनको भी बना के दिखाती हूँ कि वो कैसे बना सकेंगे। इसमें नमकीन बनाने वाला जाली को लगा देना है और एक आटा का लोई को उठा के इस तरीके से सेट करके हमें इसमें भर देना है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाता है साँचे से, और आपके पास नहीं है साँचे तो उसका भी वीडियो में बना देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें बंद कर देना है। अच्छे से बंद करना है टाइट करके। और दूसरा तरीका क्या है वो मैं अभी बताती हूँ तुरंत। तो फ्रेंड्स दूसरा तरीका है कि आप घर में कोई भी पॉलीथीन जो पड़ा हुआ है, चिप्स का हो, दूध का हो, नमक का हो, आप इससे भी बना सकते हैं। तो एक बार ही आपको फ्राई करके दिखाऊंगी नमकीन, और दोनों ही तरीका एक बार में ही बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपके इंतज़ार में रहूँगी। आप लोग हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में लिख के। अब देखिए सारे आटे को हमें कोना की तरफ लाना है और यहाँ पर एक पतला सा कट लगाना है, क्योंकि चावल के आटे का सेव नमकीन
बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा कट लगाइए और दबा के देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से निकल रहा है, देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से ये निकल रहा है। तो चलिए अब दोनों ही तरीका आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तेल अच्छा गर्म हो चुका है, अब इसमें पहले पॉलीथीन वाला बना के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये सेव नमकीन आपके बन के तैयार होंगे। तो चलिए पॉलीथीन वाला ये हो गया, आप समझ गए होंगे। जब एक तरफ से हो जाए फिर इसे दूसरी तरफ हमें पलटना है। फ्रेंड्स अब इस पे ही बनाती हूँ मशीन वाले। दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसके लिए आपको एक ही कढ़ाई में दोनों चीज़ करके दिखा दी, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए। अभी आँच को हमें तेज रखना है, जब एक ये जो है बबल्स इसका ख़त्म होगा फिर इसे दूसरी तरफ से पलटना है। जब कच्चा रहे तो बिल्कुल भी टच ना करें, तेल को थोड़ा शांत होने देना है। अभी सारे को हमें दूसरी तरफ पलट लेना है। गैस की आंच को बिल्कुल तेज रखना है और अच्छे से जब ये थोड़ा शांत होगा फिर आंच को थोड़ा सा कम कीजिएगा और अलट पलट करते हुए अच्छा गुलाबी होने तक फ्राई कीजिएगा, लाल होने दीजिएगा, तभी जाके ये खस्ता बनेगा, नहीं तो ये सॉफ्ट ही रह जाएगा, क्योंकि ये बचे हुए चावल का है, चावल पहले से पका हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बार का हमारा सेव नमकीन हो चुका है, तेल एकदम शांत शांत सा लग रहा है, देख पा रहे हैं। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। जब आप चावल के बचे हुए चावल के सेव नमकीन बनाएंगे फ्रेंड, तो आँच को तेज रखिएगा, तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, कम गरम तेल में आपको ये नमकीन नहीं बनाने हैं, नहीं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल समा जाएगा, फिर ये चिपचिपा सा लगेगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा काफ़ी खस्ता बन जाता है, आप देख पा रहे हैं कितना ही अच्छा मसालेदार हमारा सेव नमकीन बना है। देखिए अभी गर्म है फिर भी इतना क्रंची है, तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आपको नमकीन बनाने हैं। तो सिर्फ आपको समझाना है कि रेसिपी कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैं इतना में ही आपको बता दे रही हूँ। देखिए ये कितना खस्ता है, देखिए देख पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो आप भी बना के तैयार करें। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।